एवेंजर्स एंडगेम को रिलीज होने में मात्र 3 हफ्ते बचे हुए हैं और इसी बीच एमसीयू ने एक स्पेशल लुक रिलीज किया है। इस 1 मिनट के फुटेज में हमें काफी डिटेल्स देखने को मिलती है। टीजर की शुरुआत होती है एवेंजर्स के कंपाउंड के एक शॉट से, जहां पर ब्रूस बैनर ये बोलते देखे जाते हैं, If we do this, we'd be going in short-handed. जहां पर हमने पिछले ट्रेलर में ये देखा था कि एवेंजर्स के पास एक प्लान होता है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग एवेंजर्स थैनोस का पीछा करेंगे और उसे हरा देंगे। लेकिन इस बात से ब्रूस बैनर बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि जब उनका सामना थैनोस से हुआ था और उस वक्त थैनोस के पास 6 स्टोन नहीं थे, फिर भी वह हल्क को लगभग मार दिया था और अब उसके पास 6 स्टोन है और यही एक रीजन है कि ब्रूस बैनर बाकी एवेंजर्स से कन्विंस नहीं हो रहे। और इसी सीन में हमें चोटी मास्टर यानी थॉर को दिखाया जाता है, जो कि एवेंजर्स के बचे हुए टीम में शामिल हो जाते हैं। और अगले ही सीन में ब्लैक विडो को एक गार्डन में बैठे हुए देखा जा सकता है, जिसके बैकग्राउंड को देखकर ये पता चलता है कि जापान में अपने दोस्त हॉकाई को ढूंढने आई हैं। और इसके बाद के सीन में कैप्टन अमेरिका को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपना एक चिकना रूप लेकर खड़े हैं और जिसे देखकर ये लगता है कि ऑडियंस इस सीन को देखकर काफी हूटिंग करने वाली है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये देखा जाता है कि नेबुला और रॉकेट आपस में एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करते हैं। हालांकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन वहीं थैनोस के स्नैप के बाद अपनों के होने की वैल्यू पता चल गई। और वहीं अगले सीन में टोनी स्टार्क और उनकी गर्लफ्रेंड पेपर को एक दूसरे से मिलते देखा जा सकता है, जैसा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि पेपर रेस्क्यू सूट पहनकर टोनी स्टार्क को बचाने जाएंगी। लेकिन इस सीन में उन दोनों को गले लगते देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो एक दूसरे से अर्थ पर पहली बार मिल रहे हैं। इस सीन से ये कंफर्म हो जाता है कि सुपर बॉल ट्रेलर में दिखाया गया इस सीन में टोनी स्टार्क अर्थ पर वापस आएंगे। और इसी बीच आयरन मैन के मार्क 85 आर्मर को दिखाया जाता है, जिसमें हमें नए तरह के वेपन्स भी देखने को मिलेंगे। और वहीं इसके बाद हॉकाई एवेंजर्स कंपाउंड में देखे जाते हैं, जो कि अब वापस आ चुके हैं। और अगले सीन में हमें सेकंड ट्रेलर में दिखाए गए थॉर और कैप्टन मार्वल के सीन का एक नया एंगल दिखाया गया, और जिसमें आप स्टॉर्म ब्रेकर को काफी अच्छे से देख सकेंगे। और अगले ही सीन में बचे हुए एवेंजर्स को देखा जाता है, जिसमें हॉकाई, वॉर मशीन, टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, नेबुला, रॉकेट, आंटमैन, ब्लैक विडो, ये सभी किसी को फेस करते हुए देखे जा सकते हैं, जिनमें से कैप्टन मार्वल, थॉर, हल्क हो सकते हैं। और वही नेक्स्ट सीन में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन साथ काम करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और टोनी स्टार्क ये कहते हुए देखे जाते हैं, You trust me? I do. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिविल वॉर के बाद इन दोनों की दोस्ती में दरार आ चुकी थी, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और वहीं हम बैकग्राउंड को गौर से देखें तो ये न्यूयॉर्क बैटल का सीन लग रहा है। तो जहां तक ये उम्मीद बनती है कि मार्वल ने इसमें CGI किया है और कैप्टन अमेरिका के सूट को चेंज कर दिया है। और वहीं अगले सीन में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का शिप देखने को मिलता है, जिसमें ये देखने को मिलता है कि बचे हुए एवेंजर्स थैनोस से फाइट करने के लिए जा रहे हैं। और वहीं मोस्ट प्रोबेबली ये माना जा रहा है कि ये सीन मूवी के स्टार्टिंग में ही हो सकती है, क्योंकि कैप्टन मार्वल के हिसाब से उन्हें ये लगता है कि वो थैनोस को आसानी से हरा सकती है। और हमें इस सीन में कैप्टन मार्वल एक नए सूट में देखने को मिलती है। और अगले ही सीन में टोनी स्टार्क को काफी सैड मोमेंट में देखा जाता है, जब वो पीटर पार्कर के फोटो को देखकर ये कहते हैं, You could not live with your own failure. और वही इस सीन को देखते हुए ऐसा फील होता है कि टोनी स्टार्क काफी गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि वो पीटर पार्कर को नहीं बचा पाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीटर पार्कर टोनी स्टार्क के बेटे जैसे थे, और अब टोनी स्टार्क थैनोस की मां। और आगे बढ़ते हुए हमें एक इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है, जहां थॉर और रॉकेट बहुत अमेज होकर किसी चीज को ध्यान से देखते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि रॉकेट और थॉर टाइम ट्रैवल करते हुए एसगार्ड वापस जाएंगे और अपने हैमर को वापस लाएंगे। और इस बात की कंफर्मेशन खुद रूसो ब्रदर्स ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए कर दी थी, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि थॉर के पुराने हैमर को एवेंजर्स एंडगेम में दिखाया जाएगा। और फाइनली हमें थैनोस एवेंजर्स एंडगेम के ट्रेलर में देखने को मिलता है, तो जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि थैनोस अभी भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज कर सकता है। और वही ट्रेलर के आखिरी सीन में टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है कि वह अपने नए आर्मर न्यू मार्क 85 में देखे जाते हैं, और उनके साथ थॉर और कैप्टन अमेरिका को एक साथ थैनोस की तरफ बढ़ते हुए देखा जा सकता है, जहां पर हम ये नोटिस कर सकते हैं कि थैनोस अपने सॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। और साथ हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि थैनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बिना बैठा हुआ है, या हो सकता है मार्वल ने इसे CGI से छिपा दिया है। और इसी सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि थैनोस लगभग हार चुका है। आज का हमारा सवाल ये है, क्या थैनोस अकेले इतने सुपर हीरो से फाइट कर सकता है, या थैनोस के साथ कोई और विलन भी टीम अप करेगा? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह मूवीज से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।